हेलो गाइस, आज की रेसिपी है साबूदाना वड़ा की, जिसे हम दो तरीकों से बनाएंगे। एक होगा व्रत स्पेशल, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं और ये व्रत में खाया जाने वाला बहुत अच्छा स्नैक्स ऑप्शन है। और दूसरे हैं वेजिटेबल साबूदाना वड़ा, जिसे आप जब चाहें बना के खा सकते हैं। इन दोनों को बनाने का प्रोसेस सेम है, बट इंग्रीडियंट्स थोड़े डिफरेंट है। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए साबूदाना, जो कि हमने 4 से 5 घंटे भिगोया था, उबले और मैश करे हुए आलू, नमक, चीनी, सेंधा नमक, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई गाजर, हंकर्ड, जिसको बनाने के लिए हमने दही को 6 से 7 घंटे मलमल के कपड़े में लटका दिया था, नींबू, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, चॉप किया हुआ फ्रेश धनिया और फ्रेश कड़ी पत्ता, इन सब का मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो व्रत वाला साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे हंकर्ड और उसमें सेंधा नमक डाल के अच्छे से मिला देंगे। अब एक दूसरी बाउल में हम लेंगे आलू, साबूदाना, बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, नींबू का रस, सेंधा नमक, चीनी और बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। इन सभी को अच्छे से हाथों से मिलाकर एक मिक्सचर बना लेंगे। अब हम बनाएंगे वेजिटेबल साबूदाना वड़ा। इसके लिए हम एक बाउल में लेंगे हंकर्ड, बारीक कटी हुई प्याज, गाजर, हरी मिर्चें, धनिया, नमक, चीनी और काली मिर्च। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और हमारी वेजिटेबल साबूदाना वड़ा की वेजी स्टफिंग रेडी है। अब एक दूसरी बाउल में हम लेंगे आलू, साबूदाना, बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, नींबू का रस, नमक, चीनी, गरम मसाला, काली मिर्च और बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। इन सभी को हाथों से मिला के एक मिक्सचर बना लेंगे। अब हाथों पे हल्का सा पानी लगाकर हम आलू और साबूदाना वाले मिक्सचर को अच्छे से फैला देंगे। उस मिक्सचर के बीच में हम रखेंगे 1 चम्मच भर के हमारी हंकर्ड वाली स्टफिंग। अब उस स्टफिंग को हम चारों तरफ से मिक्सचर से कवर कर देंगे और उसको एक गोल टिक्की के जैसी शेप दे देंगे। ऐसे ही हम बाकी साबूदाना वड़ा बना लेंगे। अब एक गैस पर तेज गरम तेल में हाई फ्लेम पे हम इन साबूदाना वड़ा को डाल देंगे। करीब 2 से 3 मिनट बाद जब वो नीचे से सिक जाएंगे तो हम उन्हें पलट देंगे। अब करीब 1 से 2 मिनट बाद हमारे साबूदाना वड़ा दूसरी साइड से भी तल चुके हैं, तो हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साबूदाना वड़ा बने हैं ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी। डू ट्राई दिस साबूदाना रेसिपी इन दिस नवरात्रि एंड लेट मी नो आपको ये व्रत का स्नैकिंग ऑप्शन कैसा लगा। Thanks for watching my video. If you like the recipe, then give it a thumbs up. Subscribe to my channel and press the bell icon for recipe updates. Thank you.